प्रधानमंत्री इस समय रोड शो कर रहे हैं और ये तस्वीरें क्या कहेंगे अजय? के साथ गुंजायमान ये पूरा क्षेत्र जिस तरह से जनसैलाब उमड़ा हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत करने के लिए नाथ द्वारा भी भव्य स्वागत, प्रधानमंत्री के इस रोड शो इस काफिले पर जिस तरह से पुष्प वर्षा हो रही है, ये दृश्य अजय ये देखने लायक दृश्य है। किस तरह से ऊर्जावान होकर किस तरह से उत्साहित और उल्लासित नजर आ रहा है ये जनसैलाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए। अजय आप हमें सुन पा रहे हैं? मोदी मोदी के नारों के साथ जनसैलाब उमड़ा हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले पर पुष्प वर्षा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री की एक झलक पाने को आते हुए तमाम जनसैलाब सड़क के दोनों ओर जिस तरह से हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए पुष्प वर्षा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए, ये देखिए ये भीड़ ये जनसैलाब ही कहेंगे इसे, किस तरह से प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। राजस्थान का दौरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई विकास सौगातों से आज राजस्थान वासियों को नवाजने जा रहे हैं और इस लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं जो ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री आए हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ सौगात ज़रूर देके जाएंगे, सौगात देंगे तो जाहिर सी बात है विकास की सौगात देंगे जिससे उनका सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से उनका विकास होगा। अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय बहुत खूबसूरत तस्वीरें ये देख रहे हैं हम किस तरह से जनसैलाब उमड़ा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, पुष्प वर्षा कर रहे हैं गाड़ी के ऊपर उनके और हाथ हिलाकर अभिवादन मोदी मोदी के नारे जिस तरह से लगा रहे हैं वो अपने आप में दिखाता है कि कितने लोकप्रिय हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच। और जनता को ये उम्मीद रहती है कि प्रधानमंत्री आए हैं तो जाहिर सी बात है उनके लिए बहुत सारी विकास की सौगातें लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान की यात्रा पर और इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान वासियों को कई बड़ी सौगातों से नवाजने जा रहे हैं। 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और इन परियोजनाओं के लोकार्पण राज्य की तरफ से तमाम घोषणाएं होती रहती हैं लेकिन केंद्र की तरफ से जो प्रधानमंत्री जो घोषणा करते हैं जो बात कहते हैं उसे पूरा भी करके दिखाते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कोई वादा करते हैं तो अपनी जनता के बीच जाकर उसको पूरा भी करते हैं। प्रधानमंत्री का मुख्य फोकस है कि अवसंरचना और परिवहन को किस तरह से और ज़्यादा मजबूत किया जा सके, सड़क और रेलवे क्षेत्र की परियोजनाओं माल और सेवाओं की आवाजाही में और ज़्यादा
बेहतरी लाना ताकि व्यापार को बढ़ावा मिले, वाणिज्य को बढ़ावा मिले, ताकि क्षेत्र के लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति जो है उसमें सुधार आए, ये तमाम फोकस हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। और इन तमाम फोकस को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाथद्वारा का राजस्थान का ये जो दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, दो लेन वाली सड़क निर्माण परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य बेहतर सुविधाएं देने के लिए उदयपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की भी आधारशिला रखेंगे, साथ ही साथ गेज परिवर्तन परियोजना और राजसमंद से नाथद्वारा तक एक नई लाइन के निर्माण की भी आधारशिला रखेंगे। कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की आधारशिला शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज किया जाना है और इसी को देखते हुए लोगों में खासा उत्साह है, एक जन सैलाब सा उमड़ पड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए। हाथ हिलाकर अपने प्रिय प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए तमाम लोग यहां मौजूद हैं सड़क के दोनों ओर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। अजय, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी शर्मा, मैं सुन पा रहा हूँ। अजय, हम देख रहे हैं ये तस्वीरें, देखिए कितनी खूबसूरत हैं, किस तरह से लोग हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं, मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी पर जिस तरह से पुष्प वर्षा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके मन में है कि प्रधानमंत्री आए हैं। जब भी प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं विकास परियोजनाओं की तमाम सौगात देकर आते हैं, और राजस्थान वासियों के लिए ये बेहद बड़ा दिन है क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री आए हैं, तो जाहिर सी बात है जब यहाँ विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें जन सैलाब इस वक्त प्रधानमंत्री के अभिवादन में लगा हुआ है, पुष्प वर्षा कर रहा है, स्पष्ट तौर पर जो विकास के कार्य हैं जिनका जिक्र आपने किया, चाहे वो रेल परियोजना हो जिसमें नई रेलवे लाइन का निर्माण किया जाना है, साथ ही साथ रेलवे स्टेशन का विकास किया जाना है, कई सारे आदर्श रेलवे स्टेशन देश में बनाए जा रहे हैं, उदयपुर का रेलवे स्टेशन उनमें से एक होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि विदेश और देश के कई कोने से उदयपुर में आने वाले जो दर्शनार्थी हैं या फिर कहें जो पर्यटक हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा होती है। और अभी तो फिलहाल ऐसा कहा जा सकता है कि जो सॉफ्ट पावर है राजस्थान की वो जयपुर से थोड़ा सा शिफ्ट होते हुए आपको उदयपुर में दिखाई देगा, बहुत ही शांत झीलों का शहर जिसे कहा जाता है, बहुत ही मनोरम दृश्य, और टेम्परेचर बाकी हिस्सों से थोड़ा सा कम होता है यहाँ पर, इसलिए पर्यटक यहाँ पर आते हैं। काफी सारे महल नुमा आपको होटल वहाँ पर आपको दिखाई देंगे दर्शकों के लिए, संगमरमर के जुड़े काम जो है वो काफी प्रसिद्ध है, जो जिसमें खासी दिलचस्पी पर्यटकों की होती है। आने जाने की जो सुविधाएं हैं, आवागमन की जो सुविधाएं है वो पर्यटन के लिहाज से और जो स्थानीय व्यवसाय है उसके लिहाज से काफी अहम होती है। तो जिस तरह से रेलवे परियोजना हो, सड़क परियोजना हो, या फिर एक तरह से मल्टी मॉडल हब बनाने की बात हो उदयपुर को, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आसपास के जो जिले हैं उनसे उनसे कनेक्शन के लिहाज से। तो हल्दी घाटी बहुत ही प्रसिद्ध है, अगर आप ऐतिहासिक रूप में देखें जिसको लाखों लोग देखने के लिए आते हैं, एक लिंगनाथ जी जिनका हमने पहले जिक्र किया, महाराणा प्रताप के जो इष्ट कहे जाते हैं भगवान शिव के रूप में, श्रीनाथ जी नाथद्वारा सबसे बड़ा केंद्र वहीं पर जो वहाँ की गौशाला है वहाँ पर भी भारी संख्या में लोग अपनी सेवाएं देने के लिए जाते हैं। तो स्पष्ट तौर पर राजस्थान और राजस्थान से जुड़ा हुआ गुजरात का ये कुछ हिस्सा, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि राजस्थान और गुजरात के ये जो हिस्से हैं आपस में जुड़े हुए हैं संस्कारों के लिहाज से, संस्कृति के लिहाज से, अध्यात्म के लिहाज से, और विकास कार्यों का कुछ असर जो जैसा कि कार्य गुजरात में देखने को मिला उसका कुछ असर अब जैसा है मॉडल जिसको आप कहते हैं वो अब राजस्थान भी अपनाने लगा है। तो आगे जाते हुए ये जो परियोजनाएं हैं स्पष्ट तौर पर न केवल उदयपुर बल्कि आसपास के जिलों का भी संवर्धन करेंगी रोजगार के लिहाज से। और आपको बताएं कि वहाँ की जो झीलें हैं उसका निर्माण बहुत ही कहें कि एक्सट्रीम इंजीनियरिंग के माध्यम से किया गया है कि जब भी बारिश होती है कि जो सबसे ऊपर जो झील है वो कभी भी ओवरफ्लो नहीं करती है, उसका फिर पानी उसके नीचे की झील में कहीं चला जाता है, फिर वो जब ओवरफ्लो करने की स्थिति में रहता है तो फिर से वो नीचे डाउन स्ट्रीम में फ्लो करते हुए चला जाता है। इस तरह से जो स्ट्रक्चरिंग की गई है
तो शहर का तापमान काफी कम रहता है बाकी हिस्सों से अगर राजस्थान में तुलना करें, और जो पानी की जो समस्या राजस्थान में अलग अलग इलाकों में सुनी जाती है वो कम से कम उदयपुर में नहीं है, इसलिए उदयपुर का जो संवर्धन है पर्यटन के लिहाज से, वहाँ के स्थानीय जो छोटे उद्योग है उनके लिहाज से वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सपोर्ट के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो जब तक आप मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर ध्यान नहीं देंगे तब तक एक्सपोर्ट जैसे सेक्टर को ज्यादा बढ़ावा नहीं मिलेगा, और इसीलिए ये जो कनेक्टिविटी है जो छोटे शहरों को बड़े शहरों के साथ जोड़ती है, बड़े शहरों को महानगरों के साथ जोड़ती है, महानगरों को फिर एयरपोर्ट और सी पोर्ट के साथ जोड़ती है, और उसके बाद फिर दूसरे देशों के साथ जोड़ती है जहां पर बड़ा बाजार है, तो ये लोकल को और ग्लोबल बनाने की जो कोशिश है उसकी शुरुआत इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही होती है, बुनियादी ढांचा इसीलिए कहते हैं इसको कि बुनियाद हम तैयार करते हैं किसी विकास की, और केवल आर्थिक विकास ही क्यों, अगर कोई जाना चाहता है वहां पर पर्यटन के लिहाज से, अपने सांस्कृतिक संवर्धन के लिहाज से, आध्यात्मिक संवर्धन के लिहाज से, दर्शन के लिए मान लीजिए जाना चाहता है, तो सभी लोग बुनियादी सुविधाएं चाहते हैं, और इसलिए ये जो विकास कार्य हैं उसका असर आने वाले दिनों में जरूर दिखाई देगा, और इसीलिए वहाँ की जो जनता है उनके मन में है ये कि प्रधानमंत्री जब भी आते हैं और जो कहते हैं जिस परियोजना का शिलान्यास होता है उसका वो फिर उद्घाटन भी करते हैं परिपूर्ण होने के बाद में, ये जो विश्वास नया उभरा है पूरे देश में और ये विश्वास जमा है इस सरकार पे, यही उम्मीद लगाते हैं कि जब भी प्रधानमंत्री या फिर अपनी परियोजनाओं के साथ या विकास परियोजनाओं के साथ आते हैं तो वो जमीन पर जल्दी असर दिखाती हैं, क्योंकि केंद्र के प्रति भी लोगों का विश्वास इस चीज को लेकर के बढ़ा है कि जो प्रधानमंत्री शुरुआत करते हैं उसको स्वयं खत्म करने की भी जो उनकी मंशा है, और जो 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 योजनाएं हैं उसका शत प्रतिशत कैसे लाभ लोगों को मिल पाए, जिसको प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं सैचुरेशन हम करना चाहते हैं अलग अलग कार्यक्रमों का, तो ये सारी जो जो महत्वपूर्ण मिशन है वो भी बुनियादी ढांचे के साथ जुड़े हुए हैं, और इसका जरूर फायदा राजस्थान और खासतौर पर उदयपुर की जनता को मिलने वाला है। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा ये फोकस रहता है कि जो योजना है, जो जिस मकसद से योजना बनी है, जो आम जन, जो आखिरी पैदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है उस तक उस योजना का लाभ पहुंचे, किस तरह पहुंचे, इसके लिए एंश्योर करने का काम करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और हमने देखा है कि तमाम योजनाएं, चाहे उज्ज्वला योजना हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, तमाम योजनाएं हैं उनका लाभ आम जन तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसीलिए जो आखिरी पायदान पर खड़ा व्यक्ति है वो भी अपने प्रिय प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए बेताब नजर आता है। और इसलिए देखिए ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो इसमें केवल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, आप देखें उत्तर प्रदेश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, जब दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों में भारत शामिल होगा जहां पर 5G एंड टू एंड भारत टेलीकॉम स्टैक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, शायद दिसंबर के अंत तक हमारे पास दुनिया के सबसे सशक्त टेलीकॉम जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें से एक भारत होगा। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देख ही रहे हैं कि हम लगातार गतिशक्ति के माध्यम से रेल जो रेलवेज है, पोर्ट्स हैं, शिपिंग के साथ साथ जो रोड्स की कनेक्टिविटी है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए कैसे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कैसे अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर के आयामों को एक साथ जोड़ा जा रहा है, उस पर काम किया जा रहा है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स कैसे बनाए जा रहे हैं, इन सबका फायदा कैसे आम आदमी तक पहुंचे उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जो योजनाएं जहां पर सबसे ज्यादा कमियां नजर आ रही जिनको कैसे मिशन मोड में शुरू किया गया, चाहे आप लोगों तक हर घर बिजली पहुंचाने की बात हो जिसका काम पूरा हो चुका है, लोगों का खाता खोलने की बात हो करीब करीब उसका काम पूरा हो चुका है, घरों की बात की जाए तो करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिए गए हैं, जिनको नहीं दिए गए हैं उस पर काम लगातार जारी है, नल से जल योजना आप जानती हैं कि 2024-25 काफी इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से, जिसको कंप्लीशन करना है, सैचुरेशन तक लेकर के जाना है, तो कैसे लोगों तक घर की सुविधा मिले, ईंधन की सुविधा मिले, बिजली की सुविधा मिले, पानी की सुविधा मिले, सड़कें कैसे गांवों तक घरों तक पहुंचे, ये जो पूरा का पूरा बुनियादी ढांचे का जो जाल बिछाने का एक मिशन मोड है सरकार का, वही तो विकास की नींव है, और सभी को फायदा जब मिलता है तो फिर वो सबका साथ और सबका विकास वाला जो नारा है उसको चरितार्थ होता है, और कैसे सबको विश्वास में लेकर के काम करते हैं, और यही विश्वास बढ़ाता है जनता का किसी भी सरकार पे, नहीं तो योजनाओं की घोषणा करके और उसके बाद लंबे वक्त तक उसको लटकाए रखना जिसमें कि समय की भी हानि हो, पैसे की भी हानि हो, लोगों को कोई फायदा भी ना हो, केवल घोषणाएं हो जाए और लोगों के विश्वास की भी हानि हो, तो ऐसी लोगों की आदत जब पड़ी हुई थी, अब लोगों को लगता है कि
नई जो योजनाएं हैं वो जमीन पर दिखाई देती हैं, उसका असर जनता पर दिखाई देता है, लोगों को उसका फायदा स्पष्ट तौर पर मिलता है, तो फिर लोगों को मन में विश्वास पैदा होता है। और यही वजह है कि भारी संख्या में प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं लोग खींचे चले आते हैं उनको देखने के लिए, क्योंकि जानते हैं कि जिसकी वो शुरुआत या जो बात वो कहने जा रहे हैं उस पर लोगों का विश्वास है कि वो पूरा होकर के रहेगा। तो चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो या फिर विपक्ष के राज्य हो, जनता का विश्वास केंद्र पर खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी के विकास परियोजनाओं पर बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि लोगों ने देखा है कि जो उन्होंने शुरू किया है उसको खत्म भी किया है, और जिस चीज का ऐलान उन्होंने किया चाहे वो मिशन मोड में या फिर कार्यक्रम के जरिए, उस चीज को जमीन पर उठाने में भी उन्होंने पूरे इको सिस्टम को ओरिएंटेशन करने की कोशिश की है। और इसीलिए यही चीज विश्वास के रूप में, ये जो आप दृश्य देख रहे हैं जिसमें लोग हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं, वर्षा करते हुए नजर आ रहे हैं, स्वागत के इसमें मोड में पूरी सारी जनता नजर आ रही है, तो स्पष्ट तौर पर अपने नेता का स्वागत जरूर करना चाहेगी जो उनके आकांक्षाओं को उनकी उम्मीदों को विश्वास के जरिए जमीन पर लाने का कार्य कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचे के लिहाज से जो कार्यक्रमों को मिशन मोड में चलाया गया है उसका फायदा अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, इस पर जो फोकस है सरकार का वो विश्वास जरूर जगाता है, और वे विश्वास आपको उन दृश्यों के जरिए थोड़ा बहुत समझ। बिल्कुल, और अजय हमने ये देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल राजस्थान बल्कि हमने देश भर में जहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं वहां पर किस तरह से बुनियादी ढांचे को और ज्यादा बेहतर किया जा सके। साथ ही साथ हमने सड़क अवसंरचना के मामले में देखा कि किस तरह से अभी बीते कुछ सालों में सड़कों का नवीनीकरण हुआ है, चौड़ीकरण हुआ है, और ये देखिए कि आम जनता का हुजूम, ये देखिए किस तरह से ये आप रोड की तस्वीरें देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाथ द्वारा में, और ये जिस तरह से आम जनता का एक बड़ा हुजूम यहाँ मौजूद है, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयान करती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए जिस तरह से जनता जनार्दन जुट जाती है और जनता को विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से देश का विकास कर रहे हैं, हर राज्य का विकास कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो या बीजेपी शासित राज्य ना भी हो तो भी उस क्षेत्र के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अजय हमने देखा है जिस तरह से नवीनीकरण चौड़ीकरण बीते कुछ सालों में हुआ है, जिस तरह से सड़क अवसंरचना का विकास हुआ है, कहीं ना कहीं जब सड़कों को रफ्तार मिलती है तो विकास को भी रफ्तार मिलती है, देश को रफ्तार मिलती है। बिल्कुल सही कहा आपने, जो 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 सड़कों की रफ्तार है, सड़कों के निर्माण की रफ्तार है, उसका खासतौर पर विकास के साथ इस तरह से जोड़ा जाता है उसको कि अगर आप 7-8% का ग्रोथ रेट अगर आप किसी इकोनॉमी में मानते हैं तो अगर सड़कें 10% की रफ्तार से बढ़ रही तो उसका विकास पर 15% असर पड़ता है, यानी डेढ़ गुना उसका असर पड़ता है विकास के कार्यों पर, क्योंकि बहुत सारी जो लॉजिस्टिक्स है उसकी एक तो कॉस्ट कम होती है, आपकी कीमतें कम होती हैं कारोबार के लिए, और दूसरे लोगों के समय में कमी आती है, समय बचता है उनका, और समय की कोई कीमत नहीं होती है, और इसलिए ये जो फोकस है नेशनल हाईवेज पे और उसके साथ साथ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पे और गतिशक्ति पे, और जिस तरह से एक नेशनल प्लान बनाया गया है प्रधानमंत्री गतिशक्ति के जरिए और जिसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो राज्य सरकारों की परियोजनाएं हो या फिर निजी क्षेत्र की परियोजनाएं हो, अलग अलग सेक्टर को किस तरह से जोड़ा जाए और कैसे साइलोज में जो पहले काम होता था, अलग अलग कंपार्टमेंट के जरिए जो काम होता था, कंपार्टमेंटलाइजेशन को तोड़ा जाए और कैसे एक इंजन के तौर पर जो देश के विकास की गति को आगे ले जाने की जो कोशिश हो उसके तहत ये जो कार्य किया जा रहा है उसमें बुनियादी ढांचे का विकास काफी इंपॉर्टेंट है। सड़कों का महत्व काफी ज्यादा है क्योंकि वो समय बचाती हैं, वो आपको फैसिलिटेट करती हैं, वो आपके आपके खर्चे को बचाती हैं।